देवी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। सी जी के पारस सबो लेका पिचका आओ जवान सियान मल्ला जय जोहार। 7 बजने वाला है और अभी मैं खाना पीना बनाऊं तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बर्तन ला साफ करना है, कवर के दोपहर के बर्तन धोए नहीं थे इसे। फुल स्पीड में बर्तन साफ किया जाएगा। देख सकते हो बर्तन पूरे धोवा चुके हैं और हमने घर लेकर थन कबाट खाना शुरू पास कर वो बर्तन वगैरह धोवा चुके हैं। तो अभी मैं छीला थो मटर, देख सकते हो इतना सारा मटर ला हूँ, मटर आलू और चावल तीनों मिक्स करके खिचड़ी बनाना है। जब मौसम परिवर्तन होते तो शरीर में जो प्रकोपित पदार्थ रहते वह रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहते वाला बाहर निकालते, तो यही कारण रहते कि जब मौसम परिवर्तन होते तो तबियत को बुखार वगैरह हो जाते, कभी सिर दर्द होते, मतलब कुछ न कुछ हो जाते जो कि 2-4 दिन में ठीक भी हो जाते। तो वैसे ही बस देवी जिला थोड़ा सा शरीर भारी भारी लगा थे, तो मैंने कहा ठीक है चिंता की कोई बात नहीं है, हम है आपके साथ। तो मैं आज खाना बना था और मोर सहयोग करा थे कौन है हेमंत बाबू, मतलब मोर भांचा है। देख मटर भी छीला था बेचारा ये थे। चलो बच्चा फिर से मटर छीलने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। ये बेटी है ये मटर मटर पनीर ये भिंडी मटर पनीर ये। देवी जी आप तो ज्यादा खाओगे नहीं, आप तो ज्यादा खाएंगे नहीं, हल्का फुल्का ही खाएंगी। एक आलू छील लिया जाए खाने के लिए, खबा खब छीलता हूँ मैं तो। आलू मटर और चावल की खिचड़ी बनाया जाए आज। चावल अरे चावल में थोड़ा सा देख देता हूँ कीड़ा मकोड़ा मत रहा है, क्योंकि खा दे वो कीड़ा खा बे मेरा हन थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा हटना बच्चा उजाला ही दे हटना दे। पानी डाल के मटर वालों लग धोना है, आलू काट ले थोड़ा सा, प्याज को भी काट लिया जाए। मैं बच्चे तरीके से काट लेते यहाँ बटर पनीर मन मर रहा है मन, और यहाँ दाल और प्याज कटाया है और यहाँ बटर पनीर तैयार है, आलू भी तैयार है, तेल डाल देना थोड़ा सा, अब तेल डालने वाला है ये। अब रख दिया है यहाँ, आलू छीला भी किया है ये। अरे नन्ना ब्लॉगर
रुद्राक्ष नहीं सॉरी हेमंत तेल गरम हुआ थे, थोड़ा से जीरा, थोड़ा से प्याज, थोड़ा से हल्दी और फिर मटर और थोड़ा से दाल भीगे नहीं है हालांकि, लेकिन भी धीरे धीरे नमक भी डाल देते हैं थोड़ा से स्वाद के अनुसार। ले चल डाल हाँ सब डाल दे, अब सब डाल सब एक के बार में डाल। चावल धोने वाला है ना वना, चलो चावल भी धो दिया जाए। मामा ये जाओ का ये ना ने भर का कच्चे जलेबी खावे बोला इसने चूरन देना है मस्त धीरे धीरे। भाचा का हाथ की जलेबी खाना है, जलेबी खाना है कैसे बच्चा? हाँ। चलो आपको जलेबी खिलाएंगे। तो अभी गोपी का हाथ लेके ला चुके हैं जलेबी। तो बोला बड़ा कर देती से आदरी एक दो तीन चार पांच तो दे दी चार पाँच तीन चार पाँच जलेबी तैयार हो गरम है गर्म गरम जलेबी गरम गरम है इसको खाने में बहुत मजा आएगा आप लोग खा सकते हैं। इसको अरे छत्तीसगढ़ी में बोलने वाला चैनल है बच्चा खा। वाह टूट गए थे कल खा चल देवी जी जलेबी खाएंगे क्या? देवी जी लभी जलेबी खवा दे अंदर जाके। देख सकते हो चावल मतलब कि खिचड़ी रेडी हो चुके है, हल्दी बहुत कम डला है। चूर तो गए जी, अब जो है धनिया है, धनिया लभी डाल देता हूँ। जय श्री राम। भोजन के समय जो थोड़ा बहुत पानी पीना रहते तो गरम पानी ही पीना चाहिए, गुनगुना पानी तो कर सकते पानी गरम कर रहता हूँ। अब खाना रेडी हो चुके हैं, तो दो खाओ। चलो निकाल लिया जाए। क्या हुआ देवी जी? इसे फैला देते ताकि जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। देवी जी पर ठीक है, इधर देखो बाबू भी खाई चटाई निकाला थे। ऐसे नीचे से ऐसे उठा नीचे पकड़ नीचे हाँ और ऊपर की तरफ झटक दे चटाई ला। हाँ वेरी गुड। चल पहले इतना चीख के देखा ही बड़े लगी था औ ठीक है बैठ जा ठीक से बैठ ठीक से फैला हाथ से फैला चटाई को चटाई हाथ से फैला अब बैठ जा बैठना लईका ठीक है अब शुरू कर। कैसे लगत बच्चा? अच्छा ठीक है। अरे मिर्ची डालच नहीं हो रही, मिर्ची डालच नहीं हो बच्चा।
नमक पानी डला है का? डला है बच्चा छोटे से। कैसे लगत गोपी का? मोर हाथ के बनाए खिचड़ी दिखा दो। यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ गोपी भैया सोली के ठंड मोबाइल। अभी सब जन के खाना पीना हो चुके हैं, बाबू भी खाना खा चुके हैं, मैं खाना खा चुके हूँ। तो आज के वीडियो ला बस यहीं पे समापन करथन। अभी जाके बर्तन ला साफ करना है, उसका बाद हो जाएगी गेम ओवर आज के दिन की। तो आज के वीडियो ला बस अपनी दूर तक रखन। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, अपन स्टेटस में शेयर कर दो, और ऐसे छत्तीसगढ़ी में वीडियो देखना है तब सीजी के पारस सब्सक्राइब कर दो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।